बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम लेवल शीशम, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है, मैं मिस शाजिया खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। हम जो आज अपने सबक, यानी जो सबक हम पढ़ रहे हैं चचा जुमेराती चिड़ियाघर में, आज हम जगत चचा यानी चचा जुमेरात की किरदार नवेसी करेंगे। किरदार नवेसी को करने से पहले हम जरा किरदार नवेसी पे बात कर लेते हैं। अक्सर इम्तिहान में ऐसा होता है कि आपको किरदार नवेसी के मुतालिक जाल दिया जाता है, जिसमें होता है कि जिस किरदार की खसूसियात को उजागर कीजिए, उसमें जो एक गलती जो कमोपेश आप अमूमी गलती जिसे कहते हैं कि आप में से मेजोरिटी जो स्टूडेंट से वो ये करते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज लिखकर किरदार की खसूसियात बता देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दयानतदार है, ईमानदार है, वो एक मुतरादिफ बात हो गई। तो यानी जो किरदार की आप चार खसूसियात बता रहे हैं बेटा या छह खसूसियात बता रहे हैं, उसमें क्या चीजें खास तौर पे आपने देखने की जरूरत है कि वो हर खसूसियत जो है वो दूसरी से मुख्तलिफ हो, इन चीजों का खास तौर पे आपने ख्याल रखने की जरूरत होती है। एक होता है नोट। अब नोट के अंदर क्या होता है, जब आपसे कहा जाता है किसी किरदार पर नोट तहरीर कीजिए, तो वो नोट क्या होता है कि उसके अंदर आप उसकी वो किरदार नवेसी से मुख्तलिफ होता है, ठीक है, इस चीज को पे खास ध्यान दीजिएगा। नोट क्या होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि वो किरदार, वो शख्सियत जो है उसकी जाए पैदाइश क्या है, वो कहाँ पैदा हुआ, उसने तालीम क्या हासिल की, उसने जिंदगी में क्या ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिसकी वजह से लोग उसको जानते हैं, उनको तहरीर करने के बाद उसकी वफात कहाँ हुई, किस सन में हुई, किस शहर में हुई, इस तरीके से हम एक नोट को मुकम्मल करते हैं। लेकिन किरदार नवेसी जो होती है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में लिखी जाती है। अच्छा जी, अब हम आज जो हम काम करने जा रहे हैं वो चचा जुमेराती की किरदार नवेसी करनी है, यानी उनकी शख्सियत, उनके किरदार के जो खास पहलू हैं उनको उजागर करना है हमें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और चीजें जो हैं, जब हम किरदार नवेसी करते हैं जो हम चैप्टर में या सबक के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या चीजें बताई गई हैं उस शख्सियत से मुताल, क्या उसका हुलिया बताया है, क्या उसकी कोई खास खूबी खामी बताई है, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो आपके किरदार में आती है। बार दफा आपको किरदार पर एक मुख्तसर नोट लिखने को आ जाता है, बार दफा वो जाल में आता है, ठीक है। अब हमने जो पूरा सबक पढ़ा, तो ये पूरा सबक जो है वो चचा जुमेराती के इर्द गिर्द है। तो हमने क्या क्या चचा के बारे में पढ़ा, अगर आप दोबारा अपने सफा नंबर 16 पे आइए और एक नजर हम इसकी दोहराई करें, तो हम देखेंगे शुरू का इकतेबास में जो है कि वो जगत चाचा के नाम से मशहूर थे। क्यों? क्योंकि वो सबके साथ बहुत मिलनसार थे, यानी मिलजुल कर रहने वाले शख्स थे, वो बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलते थे और हर एक का काम दौड़ दौड़ के करते थे। अगर आप देखें तो किस तरीके से लिखा है कि मंडियों में खस्ता खवार कूदते थे, हाँ, किसी के लिए सौदा सर्फ लेके आ रहे हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि हर एक की खिदमत के लिए जज्बा उनके दिल में मौजूद था, हर एक के काम आना चाहते थे, बहुत ही हमदर्द किस्म के इंसान थे। इसके बाद हमने क्या देखता है, इसके बाद ही अगर आप शुरू का इकतबास देखें तो उसके अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिससे उनके किरदार की शख्सियत जो खसूसियत जो है वो नुमाया हो रही है, उभर रही है। अब इसमें ये देखें, साथ में उन्होंने बताया कि उन्हें सिनेमा देखने का बड़ा शौक था, यानी कि अक्सर रात को वो सिनेमा हॉल के दिन नजर आते थे, लेकिन साथ में ये बताया कि वो नमाजी भी थे। तो यानी उनकी शख्सियत का जो तजाद है वो जो नुमाया, उसको नुमाया किस तरीके से किया है मुसन्निफ ने, यानी कि बाज दफा ऐसा होता है कि जब तक हम सबक की 2 से 3 दफा दोहराई ना करें हमें वो किरदार को सही तौर पे समझ में नहीं आता कि वो एक, मतलब क्या है कि आपने तखयल करना है, आपने तसव्वुर करना है कि वो किरदार कैसा दिखता है। जो हमने सबक से मुतालिक पहला काम किया था, याद है आपको, कि उसके अंदर हमने चचा जुमेराती का जो है वो हुलिया, उसका खाका बनाया था। वो क्यों बनवाया था? क्योंकि जिस शख्सियत के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक खाका तो हमारे तसव्वुर में होना कि वो किस तरीके से दिखता होगा, वो कैसे कपड़े पहनता होगा। तो जब तक वो किरदार हमारी तसव्वुर में ना आए, हम तखय्युल में उसको, उसके किरदार का खाका ना बना सके, तो उसके किरदार की मेरे ख्याल से खूबियों को या किसी भी चीज को, उसकी शख्सियत के पहलुओं को उजागर करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ उनके किरदार को जहन में रखते हुए जो उन्होंने शुरू इकतबास में तमीज के अंदर मुसन्निफ ने उसके बारे में हमें बताया, फिर दूसरा इकतबास सफा नंबर 16 की बात कर रही हूँ बेटा, फिर उसमें देखे उसके बाद उन्होंने उसके हुलिये के बारे में बात की। कैसा हुलिया था, किस तरह वजह का पाबंद, यानी एक ही
किस्म के जो है वो कपड़े पहनना और उसी अंदाज में, यानी कि उनकी पूरी की पूरा उनका हुलिया, उनकी मतलब उनके चेहरा मोहरा के बारे में बताया गया कि चौड़ी पेशानी थी और किस तरह वो ऐनक पहनते थे और सर पे जो है वो उनकी कढ़ाई हुई हुई टोपी होती थी और किस तरीके से वो अपने जूते की जो एड़ी है वो निकाल लिया करते थे। तो ये एक सारी जो खाका हम बनाते हैं, उसके बाद आप देखिए कि सबक के असल मौजू की तरफ आने से पहले जो मुसन्निफ है उन्होंने उसके किरदार पर काफी रोशनी डाली है। अब उसकी क्या उसके हुलिये के बाद क्या बता रहे हैं, उसकी शख्सियत का अगर हम जायजा लेते हैं, जब आप आखिर के इकतबास पे आ रहे हैं सफा नंबर 16 पे देखिए, जब उन्होंने बताया कि बच्चों से उनका ताल्लुक कैसा था, किस तरह प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे, किस तरह से, अभी आप देखें अगर चंद जुमले अगर आप यहाँ देखें सफा नंबर 16 से। अब यहाँ देखें तीसरा इकतबास में क्या है कि वो देखिए कि किसी के लिए वो टॉफी ला रहे हैं, मिठाई ला रहे हैं, अगर कोई बीमार है तो क्या उसको आमिर साहब के पास लेके जा रहे हैं, और हर वक्त बच्चों में वो बच्चों की तरह बच्चों को महसूस करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना, उनसे प्यार करना, ये पूरी हमने जो शुरू के 3-4 इकतबास पढ़े वो बच्चों से ही मुतालिक हैं। तो इसके अंदर से यकीनन हमें खाका मिलता है कि ये वो शख्स हैं जो हर दिल अजीज है और बच्चों से बहुत मोहब्बत करने की वजह से बच्चे उनसे तरह तरह की फरमाइशें भी करते हैं। अब यहाँ देखें सफा नंबर 17 पे दोहराई देखें, जितना सबक की दोहराई होती है, जितना सबक को बार बार पढ़ा जाता है वो उतना ही बेहतर तौर पे हमें जहन नशीन हो जाता है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ देखें वो बच्चों का जब इतना बच्चों को तारीफ भी करते हैं कि मैं यहाँ गया था तो मैंने वहां क्या क्या चीज देखी, जैसे कि चिड़िया घर का सिकारा था। इसमें जो खास तौर पे जो उनकी किरदार का जो पहलू को हमें उजागर करना है, आपने देखा होगा ये जुमला सबक में 2-3 दफा आया, कहा क्या गया है, जब देखिए सफा नंबर 17 का दूसरा इकतबास है जी, देखा आपने, तुम खुद भी तो बूढ़े बच्चे ही हो। अब ये जो लफ्ज आ रहा है तुम खुद भी बूढ़े ही बच्चे, ये उनकी किरदार का खास पहलू है जिसको आपने किरदार नवेसी में उभारना है। ठीक है, जब आप उसके किरदार को तहरीर करेंगे, चचा जुमेराती के किरदार को तहरीर करेंगे, तो खास तौर पे इस एक काब को आपने वाजे करना है। अब इससे क्या मुराद है, हो सकता है आपको उस पे आने वाले इम्तिहानों में से आपको सबक आ जाए, तो इससे क्या मतलब है। अब अगर पूरा सबक हमने पढ़ के देखा तो चिड़िया जुमेराती का जो चिड़िया घर का वाकया था, तो उसमें जो उनकी ऐनक टूटती है और वो क्या करते हैं और किस तरह बच्चों को महसूस करना चाहते हैं और आखिर में खुद ही नाकाम और मुराद हो जाते हैं, क्या वो तरीकेकार अपनाते हैं, तो उस पे क्या है कि पूरा यानी कि वो बच्चों में बच्चा बन जाते हैं। यानी कि उन्होंने वालिद ने क्या कहा बच्चों की कि तुम्हें एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि तुम बच्चों को लेके जाओगे चिड़ियाघर घुमाने, तो ये एक तुम्हें उसमें जिम्मेदारी का निभानी पड़ेगी, तुम्हें उन्हें लुक आफ्टर करना पड़ेगा, उनकी देखभाल करनी होगी। तो उन्होंने क्या खदशा जाहिर किया कि ऐसा ना हो तुम बच्चों के साथ बच्चे बनकर ऐसा ना हो कि तुम गाफिल हो जाओ, तुमसे कोई गलती सरजत हो जाए, तो तुम्हें बहुत होशियार और संभल कर रहने की जरूरत होगी। तो ये बात उन्हें बहुत बुरी लगती, तो इस बात ही कोई जो जुमला है कि तुम खुद भी तो एक बूढ़े बच्चे, यानी कि उनकी उम्र क्या है कि उनकी उम्र और उनके शौक में तजाद पाया जाता है, यानी उनकी उम्र 40-42 साल की 45 साल की है, लेकिन उनके शौक जो हैं वो बिल्कुल बच्चों की तरह के हैं कि जानवर अगर देखने जाओगे चिड़ियाघर में तो ऐसा ना हो कि जानवर देखे तुम खुद भी बहुत महसूस हो और बच्चों के साथ बच्चे बन के तफरी करने बैठ जाओ और तुमसे कोई ऐसी गलती सरजद ना हो जाए, किसी बच्चे को तकलीफ ना हो, किसी को नुकसान ना पहुंचे। तो ये सारी चीजें जो हैं, और आखिर में जैसे सबक का इख्तिताम होता है कि उसमें आखिर में भी जो है वो कहते हैं कि मैंने कहा था ना तुम भी खुद भी एक बूढ़े बच्चे, यानी कि वो जो शरारत और चौकी जो मैं कहना चाह रही हूँ ना किरदार की, खास तौर पर मैं यहाँ नुमाया करना चाह रही हूँ, वो चचा जुमेरात की शख्सियत की जो खूबी है क्या है कि वो बहुत शौक और शरीर से है, यानी उनकी तबीयत में बुढ़ापे में देखें जब इंसान की एक उम्र हो जाती है तो उसके अंदर बड़ी संजीदगी आ जाती है, तदब्बुर आ जाता है ना, वो छोटी मामूली चीजों पे हंसी मजाक छेड़छाड़ नहीं। बच्चे क्या होते हैं, मासूम होते हैं, शरारती होते हैं, तो ये किस्म की चीजें जो शौकी और शरारत है वो क्या की होती है, वो चचा जुमेराती के अंदर भी पाई जाती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि इसलिए ही उनका किरदार जो है वो इतना मकबूल है और इतना लोगों में वो मिलनसार और इतना लोग उन्हें पसंद करते हैं। तो इस किरदार को हमने 1 से 2 दफा आप सबक की दोहराई जरूर करेंगे, उसको पढ़ेंगे
और उसके बाद उसके किरदार पर आप तहरीर कीजिएगा। तो ये जो काम आपने करना है, अब इसमें क्या करना है, आपने चचा जुमेदार के किरदार की खसूसियात को जाल में तहरीर करना है। अब जो भी काम किया है आपने उसके बाद, अब सफ़े के ऊपर, अब जरा गौर से सुने काम आपको जमात में कैसे करना है। आपने सबसे पहले ऊपर किरदार नवेसी की हेडिंग डालेंगे, फिर सिया कलम से आपने सवाल तहरीर करना है और फिर जाल बनाना है। अब जाल में कितनी खसूसियात लिखनी है वो आप पर मुनसर, कम अज कम 5 से 6 कोशिश करें लिखें, ठीक है। जाल को आप कोशिश कीजिएगा कि जब आपको वेब बनाने के लिए आता है ना, तो बार दफा बच्चे क्या करते हैं, पूरे पूरे जुमले लिखते हैं। अगर पूरे ही जुमले बेटा लिखवाने, तो ये मैं इस सवाल को इस तरीके से भी लिख सकती थी कि चचा जुमेराती की किरदार की खसूसियात को देखते हुए 4 नुकात तहरीर करें, तो आपके 4 पॉइंट्स आ जाते, 4 जुमले आ जाते। लेकिन यहाँ मैंने वेब बनाने को यानी जाल बनाने को क्या कहा है, जब भी जाल आपको बनाने को कहा जाता है तो उसके अंदर कमोपेश आपको ख्याल रखना है कि एक लफ्ज के अंदर आप जवाब दें। तो पूरा सबक हमारे पास ऐसा है कि उसके अंदर 1 से 2 अल्फाज के अंदर आप उनके किरदार की खसूसियात को उभार सकते हैं। अब इसके अंदर आप हुलिया लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम वैसे हुलिये पे जो काम है हमारा, हमने पहले ही यूनिट के अंदर कर लिया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसकी दोहराई करेंगे। अगर आपको ये सवाल में इस तरह देती कि चचा जुमेराती के किरदार पर नोट तहरीर करें, तब आप उनके हुलिये को पूरे जामे अंदाज में बयान करते। लेकिन अभी मैंने सवाल सिर्फ आपसे जाल में उनकी खसूसियात बयान करने को, क्योंकि ये वेब का सवाल है तो इसके अंदर पूरे पूरे जुमले नहीं आएंगे। मैं इसलिए वाजे कर रही हूँ कि ये अमूमन ऐसी गलतियां हैं जो आप इम्तिहान में भी करते, कि पूरा पूरा जुमला तहरीर हो रहा होता है। सिर्फ 2 अल्फाज या 1 अल्फाज के अंदर कोशिश करें कि उनकी खसूसियात को वाजे करें। एक बात और कि मुतरादिफ अल्फाज नहीं लिखेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि मुतरादिफ अल्फाज जब आप लिखने बैठ जाते हैं, तो आप इम्तिहान में अगर फर्ज करें 2 नंबर में आपको ये सवाल आता है और उसके अंदर आपने मुतरादिफ अल्फाज में ही खसूसियात बयान कर दी, तो वो जब आप एक ही खूबी को 2 दफा बयान करें तो नंबर तो आपको नहीं मिलेगा, वो तो नंबर आपका जाया हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि बड़ी समझदारी के साथ आपने ये सवाल अटेंड करेंगे। फिर बता रही हूँ, 5 से 6 कोशिश करेंगे खसूसियात, तो काम सफाई से करेंगे। पूरा एक पेज इसके लिए आप यूज कर लीजिएगा, क्योंकि वेब बहुत सफाई से बने, ठीक है। और जो वेब बनाएंगे वो आप पेंसिल से बनाएंगे, और अंदर फिर आप उसके नीला कलम या काला कलम जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इस्तेमाल करें, ठीक है बेटा। इस तरह हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अब इसकी मश के कुछ चंद सवाल हैं, वो इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।